ओके, तो असाइनमेंट वन डिस्कस करते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जिसमें आपको डाउट है, थर्ड 3 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ओके, पॉली एटॉमिक आयंस की बात करते हैं। तो हमने पढ़ा था, हमने पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। तो मतलब अगर सिंगल हो, ठीक है, अगर एक एटम हो सिर्फ एक मॉलिक्यूल में, तो उसे हम मोनो बोलते थे, मोनो एटॉमिक। अगर दो हो तो हम उसे क्या बोलते थे, डायटॉमिक। 3 हो तो उसे हम बोलते थे ट्राइटॉमिक, ठीक है। एंड 3 से ज्यादा हो या फिर हर एक से अगर ज्यादा हो तो हम उसे पॉलीएटॉमिक बोलते हैं। सिंपली एक से ज्यादा, मतलब पॉली का मतलब एक से ज्यादा होने चाहिए, मल्टीपल होने चाहिए, तो जरूरी नहीं कि 4 से ज्यादा होने चाहिए। 1 सेकंड, एक से ज्यादा मतलब वो नाम दे रखे ना सबके, टू सर, और थ्री टू। मार्कर के क्वेश्चन में सर इतना छोटा सोल्यूशन लिखेंगे क्या सर, थ्री नहीं, मार्कर के ये तो सोल्यूशन मतलब में? हाँ, ये 3 मार्कर के लायक है नहीं, गिव एग्जांपल्स के लिए उसके आपको इसके लिए मार्क्स मिल जाएंगे फिर, ठीक है। मतलब इसके 1 दे दिए, इसके 1 दे दिए, एंड देन फिर इसके 1 दे दिए, ऐसे मार्क हो गए। मैं गुरुकुल एग्जांपल में अच्छा सुनो करके सुनो, देना। नहीं नहीं सुनो मेरी बात सुनो। अब हम पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करते हैं, ठीक है। तो अब मुझे सिर्फ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल अपने आप में स्टेबल होता है, ठीक है। अगर मैं CO2 लिखूं, ठीक है, तो इवन दो दिस इज पॉलीएटॉमिक, मतलब एक से तो ज्यादा है, पॉलीएटॉमिक का मतलब होता है ये मोर देन वन एटम होना चाहिए उसमें, ठीक है। ये एक से ज्यादा एटम तो है यहाँ पे, 3 एटम्स है, एक से ज्यादा है वो काफी है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ये आयन भी होना चाहिए। आयन मतलब इसके पास चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसके पास चार्ज होना चाहिए तो हमें पता है CO2 तो मॉलिक्यूल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं, आयंस ही नहीं है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ उन आयंस की बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम O2- लिखते थे तो ये तो सिंगल है, एक ही आइटम है, ठीक है। इसीलिए फिर हम आए सारे के सारे जो हमने और पढ़े थे, NO3, ठीक है, NSO4, ठीक है, ये सारे पॉलीएटॉमिक आयंस हैं। SO4 पढ़ा था, याद होगा, SO4 मैंने 2- लिखाया था, ठीक है। SO4 पढ़ा होगा, ये अमोनियम है, ये भी पढ़ा था हमने, लिखवाया था मैंने अलग से कि इसकी वैलेंसी होती है +1 होती है इसकी वैलेंसी। तो इसी तरीके से जो पॉलीएटॉमिक आयन का मतलब होता है कि वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है, वो एक आयन है। तो ग्लूकोज को आप पॉलीएटॉमिक नहीं बोल सकते क्योंकि वो स्टेबल है, वो एक मॉलिक्यूल है सिंपली। फॉर एग्जाम्पल H2O अगर मैं लिखूं तो ये पॉलीएटॉमिक है तो, लेकिन आयन नहीं है, तो हमें पॉलीएटॉमिक आयन बताना है। तो व्हेन टू और मोर एटम्स इन अ ग्रुप इज हैविंग अ चार्ज, सच इट इज कॉल्ड अ पॉलीएटॉमिक आयन। मतलब आयन तो बन रहा है, चार्ज तो है, लेकिन सिंगल एक सिंगल एटम नहीं है, ठीक है, तो उसे कहते हैं। और इसके बहुत सारे और भी एग्जांपल्स होते हैं, आप जितने भी पढ़ोगे एसीटेट वगैरह, जितने भी कंपाउंड्स पढ़ते हो ना आप, अमोनियम एसीटेट, तो ये भी एक कंपाउंड होता है, C3COOH, दिस इज, ठीक है, ये कंपाउंड होता है, इसको हम एसीटिक एसिड बोलते हैं। सर इसके में ओओएच दवा हाँ COOH, तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से होता है, वो डिफरेंट चीज है, ठीक है। तो इस केस में, ठीक है, इस केस में ऐसे केसेस में भी एक आयन होता है, ठीक है, इससे CH3 सी सॉरी COO एक आयन है, ठीक है, नेगेटिव भी एक आयन है, तो ये भी पॉलीएटॉमिक आयन है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा आइटम है। सर तो आपको हाँ सल्फेट लिख चुके हैं, MSO4 एंड NO3 नाइट्रेट हम लिख चुके हैं, सल्फेट हम लिख चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे काफी सर सारे एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, सो सल्फेट नहीं है, एल्यूमिनियम सल्फेट एक स्टेबल कंपाउंड है, मैंने ग्लूकोज में एल्यूमिनियम सल्फेट लिखा, दोनों गलत है। सो बोलो मैंने सुना कि एलिमेंट्स कंटेन अ चार्ज वैलेंस ब्रैकेट नीड टू गेन और जो इलेक्ट्रॉन द नॉन आयन और पॉलीएटॉमिक आयन द आयन इज कंटेन मोर देन फोर, मोर देन वन होगा, ठीक है, सिंपली मोर देन वन होगा, मोर देन फोर नहीं, याद रखना। पॉलीएटॉमिक मैंने इसलिए बताया था कि और के नाम नहीं है तो और सबको पॉलीएटॉमिक बोलते हैं, बट डायएटॉमिक भी एक पॉलीएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक भी एक पॉलीएटॉमिक है। तो मतलब या तो दो चीजें हो सकती है, या तो एक मोनोटॉमिक हो या फिर एक पॉलीएटॉमिक हो। पॉली के अंदर अब वो डाई हो सकता है, ट्राई हो सकता है, ठीक है, टेट्रा हो सकता है, मतलब इसी के अकॉर्डिंग। सर अगर कोई डायटॉमिक आ रहा है तो हमें पॉलीनोमियल को ब्रैकेट में डालना नहीं, मतलब सिर्फ एक दोनों में से कोई एक वर्ड लिख दो, फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही पॉलीनोमियल भी बात है। सही हो, पॉलीएटॉमिक भी सही है उसके, गलत नहीं है। सर मैं तो लिखा है पॉलीएटॉमिक आयन इज आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर आयन एंड कंसिस्ट ऑफ टू और मोर आयन, हाँ ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन यू कैन से दैट, इट्स ठीक सही है, एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, ये भी आंसर सही है जो आपने बोला, वो भी ठीक है। ओके, नेक्स्ट डाउट बोलो, सर 7 देखते हैं। सेवन फाइव अच्छा,
क्विक लाइम इज सी ए ओ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड तो सी ए ओ कैल्शियम की वैलेंसी टू, मैं प्लस लिख देता हूं, और मैं ऑक्सीजन की टू नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, क्या आया सी ए ओ, तो ये है सी ए ओ। अच्छा हाइड्रोजन ब्रोमाइड देखते हैं, एच ब्रोमाइन, हाइड्रोजन वन ब्रोमीन टू, करेक्ट, तो हाइड्रोजन क्रॉस मल्टीप्लाई एच टू बी आर। सर इसकी बस मेरे को वो नहीं पता था सिंबल, मैं ऐसे दिखाया हूं हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइन। अच्छा बेकिंग हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है, दिस इज हाइड्रोजन, नहीं सर मैंने अलग अलग करके लिख दिया हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। बेकिंग पाउडर ये पता है तुम्हें, NaCO3, इसे हम मोर कॉमनली नोन एज, मतलब इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये बनेगा कैसे वैसे, दिस इज NaHCO3, ठीक है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है, ये सोडियम आयन है, इसकी प्लस वन प्लस एंड इसकी वन माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई NaHCO3, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम इज के, सल्फेट इज SO4, के की वैलेंसी, पोटेशियम की वैलेंसी टू, पर सर इसमें तो हमें सर एलिमेंट्स बताने हैं ना, क्या सर इसमें तो हमें एलिमेंट्स बताने क्या आते हैं इसमें, हाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कंपाउंड सिखा रहा हूँ, एलिमेंट्स तो मैं पता ही चल गया, इसमें कैल्शियम है एंड ऑक्सीजन, जैसे लास्ट वाले पोटेशियम में पोटेशियम सल्फर एंड ऑक्सीजन, हाँ तो एक सेकंड, इसमें हाइड्रोजन वर्ड में हाइड्रोजन है एंड ब्रोमीन है, बेकिंग पाउडर में सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है एंड ऑक्सीजन है, चार है इसमें, पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम है एंड सल्फर है एंड ऑक्सीजन है, बस बताओ बस ये बनेगा क्या सर, K2SO4 ही तो बनेगा, K की वैलेंसी 1 पॉजिटिव, SO4 की वैलेंसी 2 नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई K2SO4। ओके नेक्स्ट आउट सर, अच्छा हाइड्रोजन ब्रोमीन की 1 होती है वैलेंसी, दिस इज 1, तो दिस विल, मेरे को तो सर क्वेश्चन 12 में ऐड आउट, 12 से पहले कोई डाउट सर, HBr 8 में कोई डाउट सर, ये तो 8 मोलर मास है, तो चलो मोलर मास ठीक है, ओके 12th में डाउट है, ओके 12 देखते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करते हैं, इसमें हमें क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। पहले इस पूरे कंपाउंड का हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, इस पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Fe ठीक है SO4.7H2O का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मतलब Fe कितनी होती है मॉलिक्यूलर मास इसकी, Fe का मास बताओ ऑक्सीजन 4 है प्लस 7H2 है, तो अब 7 बाहर लिख लेते हैं, अब H2 2 × 1 प्लस 16, ठीक है, तो दिस इज 56 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 7 × 16 प्लस 2 18, ओके टोटल कितना है, सर वो आंसर आ रहा 416 प्लस 7 दिस इज 152 प्लस 227 2 2 7 कैसे आएगा 6 7 2 7 8
278 ठीक है 278 यू आ गई ठीक है इस पूरे की। अब मुझे इसमें परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिखाना है, तो ये होता है ये पार्ट डॉट सेवन एच टू जो होता है ना। अब मैं कोई भी अगर वो लिखूं CuSO4 डॉट 4H2O लिखूं अगर मैं, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, डॉट के बाद जो आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो हम इसका अलग से मास निकाल लेते हैं 7H2O का, विच इज 230 आ रहा है सही तो लिया है 278 आ रहा है मेरा, इनका भी एग्जैक्टली यही आ रहा है, सही है बिल्कुल, तूने गलत करी कैलकुलेशन। एनीवेज तो 7 × 2 × 1 + 16 ये हाँ मतलब कर रखा है हमने, तो ये वाटर ऑफ सोसाइजेशन का मास कितना आया 126। मुझे परसेंटेज निकालनी है तो मुझे सिंपली क्या करना है 126 अपॉन 278 × 100 दिस विल कम आउट टू बी, करो कैलकुलेटर से 126 / 278 एग्जैक्टली तो नहीं आएगा, हमारी थोड़ी सी अलग है, करो कैलकुलेटर निकालो। सर 220 बोलो बोलो 420 नहीं नहीं सर 220 220 सर आगे 6 एक सेकंड रुक मैं क्या करता हूँ देखते हैं 220 45.32 आ रहा है उनका 45.32 हाँ तो फर्क नहीं पड़ता सही है हमारा, दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर ठीक है सर। तो 55.92 लिया क्या तुमने एग्जैक्ट ले लिया है थोड़ा पर नहीं मैंने 60 भी ठीक है ना क्या 60 भी ठीक है हाँ सिर्फ 60 नहीं 66 Anyways, next 13th में डाउट है किसी को? है डाउट ठीक है देखते हैं। अच्छा 2.42 ग्राम ऑफ कॉपर गेव 3.025 ग्राम ऑफ ब्लैक ऑक्साइड ऑफ कॉपर और ब्लैक ऑक्साइड ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन गेव 5.1 टाइम ऑफ कॉपर So that is figure. अच्छा देखो परसेंटेज ऑफ कॉपर इन फर्स्ट ऑक्साइड देखते हैं, फर्स्ट ऑक्साइड में परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालनी है मुझे, तो देखो 2.42 ग्राम कॉपर था कितने में 3.025 ग्राम में ठीक है सर क्वेश्चन में 2.42 मैंने 2.43 लिया छोड़ना है सर कोई नहीं। उसके बाद ये परसेंटेज निकालोगे तुम 2.42 डिवाइड बाय 3.025 इनटू 100 ये परसेंटेज निकालोगे एंड देन आप नेक्स्ट कौन सी परसेंटेज निकालोगे 5.192 ग्राम मिला है आपको कॉपर का कितने ऑक्साइड में से 6.49 इनटू 100 इसे निकालोगे ये दोनों की अप्रोक्सीमेट वैल्यू सेम आएगी, ये दोनों 80 आ रहे हैं इनके, हमारे भी अप्रोक्सीमेटली 80 ही आएंगे, अप्रोक्सीमेटली 80 दोनों करने हैं तभी तो तुम बता पाओ कि दोनों अकॉर्डेंस ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है कि प्रोपोर्शन मतलब द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर ऑक्साइड डिड नॉट चेंज ब्लैक ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर सर बोल सर अगर इनकी तरह हमारा भी अगर बैलेंस 80 आ रहा है तो 80.0 आ रहा है दूसरे वाले का 80.02 आ रहा है ठीक है अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है तो वो सेम ही वो मेजरमेंट की टेक्निक्स पे डिपेंड कर सकता है ना, मान लो आपने जो मेजरमेंट की यूज करी इंस्ट्रूमेंट वो इतने प्रिसाइज नहीं थे इसीलिए आपका थोड़ा सा एरर आ रहा है, कभी एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, हम तो कैलकुलेट कर रहे हैं बस, हमने थोड़ी एक्सपेरिमेंट करा है एग्जैक्टली हमें क्या पता मेजरमेंट कैसे ली गई है कितनी एग्जैक्ट ली गई है इसीलिए थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर होता है हमेशा। सर 14th कर लोगे अब हाँ तो मतलब अब इसमें क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकाल लिया अभी हमने क्वेश्चन कर लिया नाउ दिस शुड मेक सेंस अब हो जाएगा। अच्छा ठीक है आई डोंट थिंक और कोई बचा है कौन क्वेश्चन अब मोलर मास के सारे
अभी करेंगे पर असाइनमेंट को भी ना क्या क्या हाँ पहले इसके तो मोलर के कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस कर लो सर बट अगर हम इसके आप सभी से करेक्शन करेंगे तो इसमें काफी सारे गलत भी है ना क्या गलत क्या है कुछ नहीं गलत है सर वो उन्होंने वो गलत किया होगा एक पॉइंट से क्या फर्क पड़ता है आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा तुम अपने अकॉर्डिंग करो तुमने कॉपी थोड़ी करना है तुम्हें तो बस समझना है आंसर की सिंपली फॉर अंडरस्टैंडिंग ही कॉन्सेप्ट क्या है अगर आप भूल जाओ मान लो मेरा लेक्चर भूल जाओ आप याद तो रहेगा नहीं अभी याद है कल तो भूल जाओगे परसों भूल जाओगे एक महीने बाद तो भूल जाएगा तो मतलब एक महीना कम होता है सारा हमारे को इसको भूल जाएगा एग्जैक्टली माय पॉइंट तो भूल जाओगे तो इसलिए आंसर की इसलिए मिली है कि बाद में रिवाइज कर पाओ आप उससे एनीवेज सर बट इसमें ज्यादा तो उसके इंडेक्स क्वेश्चन से हां ठीक है क्या दिक्कत है धीरे एनीवेज चलो सबसे पहले रिवाइज करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता था फॉर्मूला यूनिट मास होता था मॉलिक्यूलर मास और उसमें डिफरेंस क्या आता था सिर्फ कि हम जो पहले मॉलिक्यूलर मास निकालते थे ना मान लो 286 यू निकाला इसी को हमने ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट कर दिया जिसको हमने जी लिख दिया तो फॉर्मूला यूनिट मास सिंपली वे क्या है बोलने का कि अगर एक कंपाउंड में बहुत सारी चीजें हैं ठीक है अगर एक कंपाउंड में बहुत सारे एलिमेंट्स है तो उन सबके सम अगर मैं कर दूं तो टोटल उसका मास आ जाता है तो अगर हमें क्वेश्चन बोलेगा तो फॉर्मूले में मास तो आपको सिंपली मॉलिक्यूलर मास निकालना है सर बट मोल कांसेप्ट का फायदा क्या होगा रुक जाओ ही करेंगे पहले क्वेश्चंस कर ले पहले क्वेश्चन सीख ले नंबर ले या फिर फायदे पूछो मेरे से ठीक है मतलब फायदा नहीं है वरना हां हां बिल्कुल सर फॉर्मूले में मास और ग्राम एटॉमिक मास अलग है नहीं मैं तुम्हें बताता देखो फॉर्मूला यूनिट मास आप मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हो यू में निकलेगा वो एटॉमिक मास यूनिट में निकलेगा एटॉमिक मास यूनिट या फिर एएमयू या यू ठीक है लेकिन ग्राम एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूंगा ठीक है तो ग्राम एटॉमिक मास में क्या होगा कि सिंपली वो आपको सिंपली हर एटॉमिक मास को जी में कन्वर्ट कर देगा सिमिलरली फॉर्मूला यूनिट मास में आपने जो भी आपके आए मॉलिक्यूलर जो भी मास आए ना उसको सिंपली आपने क्या लिख दिया जी कर लिख दिया तो ग्राम बन गया हाँ एटॉमिक मास जब ग्राम एटॉमिक मास का सिंपली मतलब वो जो एटॉमिक मास आपको पता है 12U पता है कार्बन की 12U पता है हमने सिंपली ग्राम एटॉमिक मास अगर मैं कार्बन का पूछूंगा तो आप 12U की जगह 12G लिख दो तो सिंपली अगर ऑक्सीजन का है तो 16G हाँ अगर आपसे पूछा जाए ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन तो आप लिखोगे ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास है 16G सिंपल एज सिंपल एज दैट कुछ नहीं है इसके बाद आते हैं मोल पे अब मोल की दो मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट सेंस में दो डिफरेंट डिफरेंट मतलब है ठीक है एक मोल नंबर्स के सेंस में एक क्वांटिटी के सेंस में ठीक है तो नंबर्स के सेंस में देखते हैं अ मोल ऑफ एटम इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस व्हिच हैज द मास इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ एटॉमिक मास एटम्स के केस में एक मोल किसी भी चीज का एक मोल का मतलब क्या होगा कि इट इज इक्वल टू द 1 ग्राम ऑफ ठीक है इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम ठीक है जो उसकी एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास है जो उसका वो हमारा 1 मोल ऑफ क्वांटिटी के सेंस में एटॉमिक मास में ये कहेगा इसी तरीके से अगर मैं मॉलिक्यूल्स के सेंस में मोल बताऊं तो मोल ऑफ मॉलिक्यूल फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ H2O की बात करते हैं 1 मोल ऑफ H2O मीन्स द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O तो H2O इज 2 × 1 + 16 विच इज 18 g ग्राम तो 1 मोल ऑफ H2O वाटर इज 18 ग्राम 1 मोल ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम तो मोल इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द एटम ठीक है और द कंपाउंड
मतलब ऐसा नहीं है कि वन मोल कांस्टेंट रहेगा, ये केजी की तरह नहीं है कि एक केजी तो कांस्टेंट ही रहेगा, नहीं, ये डिपेंड करेगा कि किसको नाम दिया गया है मोल का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी और की CO2 के वन मोल ऑफ CO2 की बात करूं, वन मोल ऑफ CO2 की बात करूं, तो वो कितना होगा, कार्बन विच इज 12 प्लस ऑक्सीजन विच इज 16 इंटू 2, दिस इज 12 प्लस 32, दिस इज 44 ग्राम, वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम, ठीक है। अगर मैं CO2 की बात कर रहा हूं तो इसमें 6.022 इंटू 10^23 क्या है, मॉलिक्यूल्स, ये नंबर कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं एक मोल ऑफ वाटर की बात करूं तो उसमें भी कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स है, 6.022 इंटू 10^23। अब लॉजिक को थोड़ा पास लाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मोल के डिफरेंट वैल्यूज क्यों आई है वेट, ठीक है। सुन के देखो सोचो, बहुत छोटे होते हैं मॉलिक्यूल्स, बहुत छोटे, इसलिए हमें दिखता नहीं, पता नहीं चलता। अब सुन के देखते हैं, बहुत ध्यान से सुन के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ हेवियर एंड कुछ लाइटर चीज की बात करता हूँ। आपके पास एक, मान लो एक पेन है, ठीक है, एक कौन सा पेपर पेन है, पेपर क्लिप है आपके पास, पेपर क्लिप है आपके पास, और मेरे पास एक फोन है, ठीक है। मैं कहता हूँ दोनों एक एक यूनिट्स है, ठीक है, एक फोन और एक पेपर क्लिप दोनों एक एक यूनिट है, ठीक है। अगर मैं दो फोन रखूंगा, ठीक है, एंड आप दो पिन रखोगे तो उनका मास सेम तो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आई एम डिफाइनिंग अ नंबर ऑन द बेसिस ऑफ कि पांच, कोई भी चीज पांच होनी चाहिए, तो मैं उसका नाम कुछ भी रख दूं, मान लो फैन, ठीक है, मैंने उसका नाम फैन रख दिया। हर फैन का मतलब क्या होगा कि किसी भी चीज की पांच क्वांटिटी। तो अगर पेपर क्लिप की बात करूं मैं, तो पेपर क्लिप की मान लो मुश्किल से 0.5 ग्राम होगी। लेकिन अगर मैं दो फोन्स की बात करूं, दो मेरे फोन्स कितने हो जाएंगे, 300 ग्राम के आसपास हो जाएंगे, इवन इफ आई हैव द लाइटेस्ट फोन। तो यही हो रहा है, 6.022 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर 44 ग्राम, बिकॉज कार्बन एंड ऑक्सीजन साथ में ज्यादा हेवियर है कंपेयर टू, अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर का एक मॉलिक्यूल क्योंकि हल्का है, इसीलिए उसका, उसके 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल सिर्फ 18 ग्राम के होते। तो ये रीजन है कि सेम मोल के वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज का वेट इतना होता है, एंड वन मोल ऑफ, सॉरी, मास इतना होता है, एंड वन मोल ऑफ हाइड्रो H2O या फिर वाटर का मोल मास कम होता है, बिकॉज क्या, हेवियर एटम से बना हुआ। फॉर एग्जांपल अगर मैं वन मोल ऑफ यूरानियम की बात करूँ तो वो तो बहुत हेवी हो जाएगा। अगर मैं वन मोल ऑफ हाइड्रोजन की बात करूँ वो तो बहुत हल्का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स का नंबर तो उतना ही रहेगा, मॉलिक्यूल्स का नंबर तो 6.022 ही रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 1000 फोन्स एंड 1000 पेपर क्लिप, तो 1000 पेपर क्लिप दोनों की क्वांटिटी तो सेम है, लेकिन एक क्योंकि इन जनरल हैवियर है दूसरे से, इसीलिए वो ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। दैट इज ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज, इट इज डेंस, जस्ट बिकॉज उसका वेट ज्यादा है वन मोल का, डजंट मीन कि वो डेंस उतना है। डेंसिटी समझते हो आपका, बेसिकली आप जो मास, वही मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम जो मास को समझते हो ना, तुम वेट समझते हो मास को, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम वेइंग मशीन पे चढ़ते हैं एंड देन वेट देखते हैं अपने अंदर, हम बोलते हैं हम 50 केजी के, नहीं, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हम 50 न्यूटन पर सेकंड की उससे स्पीड से हम अट्रैक्ट हो रहे हैं अर्थ की तरफ, वो देख रहे हैं, ग्रेविटेशन पड़ी थी याद है। तो इसलिए हो क्या रहा है कि इवन दो जो एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज मच हैवियर देन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, बट होता क्या है कि एक डब्बे में अगर मैं पानी और अगर मैं वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड लूं, तो एक डब्बे में, सेम डब्बा है, मान लो सेम डायमेंशन है, वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत कम, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, फ्रीली एटम्स, कम एटम्स मिलेंगे, एंड वाटर लिक्विड है, ज्यादा क्लोजली पैक्ड एटम्स ज्यादा होंगे, तो सारे चैप्टर्स रिलेटेड होते हैं। यू विल स्टार्ट टू थिंक अबाउट इट। बैक टू आवर टॉपिक, मोल मतलब समझ आ गया सबको, मोल के दो मतलब समझ आ गए, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर, दोनों समझ आ गए। ये 6.022 into 10^20 is avocado's constant, याद रखना है बात। तो सर ये नंबर पे है क्या? ये नंबर वाले में
नंबर वाले में क्या, अभी तुम समझोगे, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करोगे समझ जाओगे. फॉर एग्जांपल अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे, बस इतना ही करना था इसमें. अब देखना आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व होने लगेंगे अगर तुम्हें ढंग से समझ आ गया. ठीक है, वन मोल ऑफ कार्बन एटम्स वे 12 grams. ठीक है, तो वन मोल कार्बन एटम्स का कितना वे करता है, 12 grams. वॉट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन. ठीक है, वन मोल कंटेन्स, वन मोल कितना करता है, 6.022 × 10³. कितने मॉलिक्यूल्स, सॉरी एटम्स है ना यहाँ, तो ठीक है इसमें एटम्स. एक मोल में 6.022 × 10³ एटम्स ऑफ क्या होते हैं, कार्बन. ठीक है, तो इतने 6.022 × 10³ एटम्स का मास कितना है, 12 ग्राम. करेक्ट, तो एक का कितना होगा, वन एटम का होगा 12 / 6.022 × 10³. ठीक है, बस तो ये सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा. इतने पॉइंट्स तक नहीं करना है, तो मैं थोड़े पॉइंट्स तक ही करना, 3 पॉइंट्स तक मान सकते, पॉइंट्स की जरूरत नहीं. 12 × 44 क्यों नहीं, तो बेटा ये कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास ही 12 ग्राम होता है, पर जरूरत नहीं है. वो कह रहा है अगर एक मोल 12 ग्राम का है तो एक कितने का होगा ये, ठीक है, यही कह रहा है. रुक जा, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये तो कर लिया होगा तुमने, बता रहा हूँ एक सेकंड रुको, एक और क्वेश्चन ढूंढते हैं. किसमें, यही क्वेश्चन बोल सर, लास्ट स्टेप में -23 से -24 कैसे ले, वो पॉइंट शिफ्ट कराना है इसने. तो सर वो उधर ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म इज वन पॉइंट के बाद कुछ लिखना है, इसलिए एक पॉइंट के बाद कुछ लिखना है इसलिए वो करते हैं. आपका आंसर गलत नहीं होता अगर आपको नहीं भी करो तो. एनीवेज चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, मूल कॉन्सेप्ट का ट्राई करो एक बार. ठीक है करो, चलो करो जल्दी ट्राई करो, फिर मैं कराऊंगा बहुत सिंपल. C2H2. हाँ 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 सारे इजी है, करो ट्राई तो करो. मैं कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ. हाँ एग्जैक्टली, अच्छा मैं कुछ एक फॉर्मूला लिखा देता हूँ, मतलब हम कर चुके हैं वो डिस्कस, लेकिन फॉर्मूला वाइज कैसे लिख सकते हो आप एक और तरीका वो लिखवा देता हूँ. सारे कर ले, ठीक है ये लिख लेना इन सबके सिंबल्स. अभी हमने पढ़ा था, एक चीज सुन लो, अभी हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ, अच्छा देखो हमें क्या पता था, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन क्या करा था, हमें दिया हुआ था मोलर मास दिया हुआ था, हमें कैपिटल M दिया हुआ था. ठीक है, हमें क्या निकालना था, हमें नंबर ऑफ, ठीक है हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना था. ठीक है सॉरी, हमें क्या निकालना था, एक पार्टिकल का मास निकालना था मुझे. तो मान लो जो हमारे पास मोलर मास है उससे मैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड कर दूं जो उसमें होते हैं, मतलब एवोकाडोस कॉन्स्टेंट डिवाइड करा था हमने, तो हमारे पास आ गया था क्या, मास ऑफ वन क्या था, वन एटम. ठीक है, और यहाँ पे मैं पार्टिकल लिख देता हूँ बिकॉज कभी कभी मॉलिक्यूल भी आएगा यहाँ,
तो मास ऑफ वन पार्टिकल अगर निकालना और तुम्हें मोरल मास, मोलर मास और अवोकाडोस कांस्टेंट तो मैं पता ही दे रहा हूँ, तो ऐसे करते हैं। तो उसमें हमने सिंपली क्या करा था, 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राजा, हमने सामान भी ले आया, प्रिंट करवा ली फोटो। गुड। हाँ, हमें यही पढ़ा रहे थे, इथाइन, इथीन, मीथेन। करो सारे करो, कोई ऐसा है जिससे एक भी नहीं हो रहा तो मैं बताऊंगा। नहीं सर, ये तीन हो गए। श्लोक आपसे हो रहे हैं या करवाऊं मैं? एक श्लोक आ गया, फिफ्थ नहीं हो रहा। फिफ्थ नहीं हो रहा, नाइट्रिक नाइट्रिक एसिड। दो से फिफ्थ करना है। इन सब में सिंपली आपको पहले बात मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो 1 प्लस नाइट्रोजन की कितनी है, नाइट्रोजन की कितनी है 14, प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन की 16, तो टोटल कितना आया 16 इंटू 3 करना है। गॉड, 48। बहुत जल्दी, कांग्रेचुलेशंस। This is ग्राम, एक मोलर मास कितना आया 63 ग्राम, ग्राम्स में आता है वैसे। तो पहले का कितना आ रहा है, पहले का 26। This is एक सेकेंड, 12, 24 + 2, 26 ग्राम, S8 एस सल्फर की 256 आ रहा है। एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस इज 31 इनटू 4 मतलब 124 ही आया। क्यों मतलब, क्योंकि मैंने अपना यहाँ लिखा हुआ है, तब तो कर दे। एनीवेज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 36 है। क्लोरीन की बताओ 35.5 प्लस हाइड्रोजन की 1, तो 36.5 आ रही है मेरी मैथ से। तो मतलब मेरी भी सर वही आ रही है, मैंने क्यों, तूने 37 बोला है, 36 बोला है, तूने तो गलत ही बोला है, मैंने 35 बात किया होगा, जो भी है गलत है। बहुत बढ़िया, 36.5 ग्राम। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो ये करो, ट्राई करो ट्राई करो, आपको फॉर्मूले यहाँ पे मैंने लिख दिए है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे ये भी लिख लेना है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, एन इज इक्वल्स टू एन, अगर मुझे निकालना है एन क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, तो मुझे मोलर मास डिवाइडेड बाय गिवन मास करना होगा, करेक्ट है ना? हाँ, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, एंड एन का दूसरा फॉर्मूला, अगर नंबर्स दे रखे हैं मुझे तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोकाडोस कांस्टेंट। ये दो फॉर्मूले बस, और इनके ये इसके अलावा मोल में कुछ आता ही नहीं है। ये दो चीजें तुम्हें याद है, सब कुछ हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस। आज मैं पैसे भी लाने, क्यों सर्किट के लिए सामान लेना, पार्टी ये दे, सही है। लेकिन वायर्स मिलती है क्या, वायर्स मिलेंगे, वो तो मैं खुद यूज करनी, वायर्स आई डोंट थिंक मिलती है, आई डोंट थिंक सर होगा, कौन सी वायर्स खरीदना, अरे वो क्या बोलते हैं सर्किट के लिए, मतलब मिलती है ना, ठीक है। हाँ वहाँ पे, वहाँ पे बहुत बड़ी वायर मिलती है, मोटी वायर मिलती है। स्टेशनरी पे बल्ब्स मिल जाएंगे, एलईडीज मिल जाएंगे, फुल हो गए सारे, हो गए सारे करना है। 6.022 × 10 to the power 23 नंबर है बेटा, वो
नो आइडिया, कैलकुलेट कर, ट्राई कर, हो जाए बस तो इस फॉर्मूले में डाल दो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये सब तुम्हें हर बार लिखना है बाय द वे। क्वेश्चन कैसे करना है, आपको सारी चीजें लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं इसका सी पार्ट करके दिखाता हूँ, इसका सी पार्ट अगर मैं आपको करके दिखाऊं हट यार तू हट जा से। इसका सी पार्ट इसका सी पार्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ एन दे रखा है, स्मॉल एन दे रखा है आपको 10, ठीक है। गिवन मास स्मॉल एम दे रखा है आपको, गिवन मास कितना है नहीं पता, जरूरत नहीं है गिवन मास की, अच्छा ठीक है। तो इसके बाद 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, अच्छा मोलर मास निकालते हैं इसका, कैपिटल एम निकालते हैं हम इसका। तो 2 इंटू सोडियम का मास प्लस सल्फर प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का मास। मुझे बहुत उम्मीद है कि तुम्हारे इस बार टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाए, क्योंकि अगर नहीं आए ना यू हैव नो आइडिया मैं क्या करने वाला हूँ इस बार, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एनीवेज तो दिस इज 46 प्लस 32 प्लस 48, ये कितना हो गया 126 ग्राम। तो मोलर मास कितना आया 126 का। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हमें मास निकालना है, मास ऑफ गिवन मास नहीं है, मास ऑफ। तो हमें 10 मोल्स दे रखे, हमें एक मोल का निकाला है अभी हमने, तो अगर मुझे 10 मोल्स का निकालना है तो मुझे स्मॉल एम इज इक्वल्स टू एन इंटू कैपिटल एम, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है सिंपली मुझे। तो दिस विल बी 126 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 1260। तो सही है मेरा, ठीक है, बेटा लिख लेना क्योंकि इसके बिना नंबर नहीं मिलेंगे। अगर तुमने कैलकुलेट भी कर दिया ना तो एमसीक्यू का पेपर नहीं है, सब लिखना होगा। इनफैक्ट इन्होंने जिस तरीके से करा इसमें भी नंबर नहीं मिलेंगे। पेपर में नंबर तो तेरे हर सब में 100 आ रहा है ना, टॉप क्या है सर, अभी मेरे का है क्या कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन देखना है तुझे, क्वेश्चन बता कौन सा देखना है, नंबर ऑफ मोल्स जो बता रहा हूं, तो लिखना फिर जल्दी ऊपर नीचे ऊपर मोल समझ आ गया। शोक तेरी आवाज नहीं आ रही, कहां गया, हेलो। एनीवेज अभी बैठ के आप ये असाइनमेंट कंप्लीट करोगे, ठीक है, कौन सी, यही असाइनमेंट, असाइनमेंट 1 आंसर, मैं असाइनमेंट 2 दूंगा सर, अभी कर दो, पहले एक कर कंप्लीट, ये करोगे मैं साइन करूंगा चेक करके उसके बाद जाओगे फिर, आज कोई टाइम नहीं है जाने का अगर तुम ये पूरे दोबारा नहीं कर पाए प्रॉपर्ली, सर सारे असाइनमेंट पूरे सर प्रॉपर्ली दोबारा कर, सर मैंने तो क्या कर दो, तो क्या हुआ प्रॉपरली दोबारा करनी है, मतलब उसमें स्टेटमेंट्स मिसिंग है, तुमने अच्छे से अटेम्प्ट करा है बट मैंने आंसर इसलिए दिए कि तुम्हें स्टेटमेंट्स मिल जाए, मैं तो वैसे भी करनी पड़ती क्योंकि मैंने पाया होगा नहीं, ठीक है दोबारा कर लो पूरी दोबारा कर क्या, एंड ये न्यूमेरिकल्स इस तरीके से करना है जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये सारी चीजें लिख के जो गिवन है आपके पास, गिवन लिखोगे फिर फॉर्मूला लिखोगे फिर उसकी वैल्यू निकाल के यूज करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं मोलर मास निकाल रहा हूं ना, तो मोलर मास से पहले मैं लिखूंगा कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 × 23 प्लस 32 प्लस 3 × 16, तो आप लिखोगे इसमें 126 U। दिस मीन्स मोलर मास इज इक्वल टू 126 G, इसके बाद लिखोगे आप, ठीक है, डायरेक्टली कैपिटल एम लिखते हैं, पूरे 7 टाइम्स ले लो क्या टाइम तो है ना, जा सकते हैं नहीं, मतलब टाइम है 1 घंटा, अगर 1 घंटे तक नहीं हुआ तो फिर रुकना पड़ेगा, ठीक है, दिस इज द कैलकुलेशन, अगर 1 घंटे से पहले कर लिया तो सो जाओ वहां पे, आई डोंट केयर, बट अगर 1 घंटे से बात करोगे तो फिर बैठे रहना, साइन करूंगा मैं तभी कर जाओगे, पूरी असाइनमेंट प्रॉपरली मुझे चाहिए विद ऑल द मोल क्वेश्चंस, 1 घंटे से पहले हो गए तो
तो सो जाना वहां पे, घर 1 घंटे बाद ही जाओगे, बस ऐसे ही मन है मेरा। टाइम टाइम नहीं है, एक्सटेंड कितना हो सकता है, मिनिमम इज 1 आवर, 1 आवर टू इनफाइनाइट जितना मन। नेक्स्ट रूम में, बाय बाय। मैं फोन लिया लिया और यहाँ रख दिया लाके।